वादा तो दे दिए है कि सरकार कह रही है 2 महीने में किसान अपने आप को जाएगा, फसल की कटाई होगी, किसान गांव चला जाएगा। आपको हाथ उठा के करना पड़ेगा कि एक फसल की कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो खड़ी फसलों में आग लगानी पड़ेगी। हाथ आओ, सरकार गलत फहमी बना रहे हैं कि किसान फसल कटाई में गांव आएगा। अगर ज्यादा बकवास सरकार ने करी तो कसम खाएगा, एक किसान खड़ी फसल में आग लगाएगा पूरी। एक फसल की कुर्बानी देंगे तो 20 साल तक किसान जिंदा रहेगा। एक का दाना नहीं देंगे, अपने घर के ऊपर दाना रखेंगे, दूसरी फसल में खड़ी आग लगवा देंगे। ये गलत सही बात कर रहे किसानों के प्रति। ये 2 महीने में आंदोलन खत्म हो जाएगा, हम फसल भी करते हैं और आंदोलन भी चलेगा। और दिल्ली की एक का सील का अधिकारी है, एक का सील दिल्ली की जो करती है। अगला टारगेट 40 लाख ट्रैक्टर का है, पूरे देश भर में जाएंगे, 40 लाख ट्रैक्टर को इकट्ठा करेंगे। और ज्यादा दिक्कत करने ये ट्रैक्टर भी वही है, ये किसान भी वही है, ये फिर दिल्ली में जाएगा, ये फिर दिल्ली में जाएगा। और उसके बाद में हर क्रांति होगी, हर क्रांति में जो जो खेत के औजार होंगे सारे जाएंगे दिल्ली। ध्यान से तुमने कान खोलकर, हर क्रांति होगी, हर क्रांति पूरे देश की हर क्रांति होगी, और जो खेत में औजार इस्तेमाल होते हैं वे सब जाएंगे, उसके नाम लेने की जरूरत नहीं है। अभी तो नक्शी दिखाई दिखाई है, इसमें ऊपर कुछ और भी लगे। हमारे जो पंच है, सरकार कान खोलकर सुन लो, पंच का बात कर रहे हैं। हमारा पंच भी वही रहेगा और हमारा मंच भी वही रहेगा। ये कहते हैं कि हरियाणा में पंचायत कर रहे हैं, हरियाणा में तो होगी, अब राजस्थान में करेंगे, उत्तर प्रदेश में करेंगे, महाराष्ट्र में करेंगे, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, गुजरात में, बंगाल में, सब जगह करेंगे। कोई बहन है हमारे पास, 40 लोग हैं, 40 लोग जत्थेबंदी है। और जिस तरह से हरियाणा के खापों का जिस तरह से समर्थन मिला है पूरा, हरियाणा की खाप लेकर पंचायत करके कह दिया कि जब फैसले होते हैं तो फैसले में ना पंच बदले जाते और ना मंच बदला जाता, ना मंच बदला जाएगा, ना पंच बदला जाएगा। जो हमारे पंच है हम उन्हीं से ही फैसले करवाएंगे। किसानों के फैसले, फसलों के फैसले किसान करेगा, सरकार का फैसले पंच करेंगे। हम अगर यहां नहीं भी होंगे, हम अगर मीटिंग में होंगे तो यहां पर जो हमारे 40 पंच है उसमें से 30 में चले जाएंगे तो पूरे फैसले करेंगे। आपके लिए खड़ा होगा, देखो जाइए बस, अपने हाथ पर आके अपना कुछ और भी चीज दिखा दियो, ना हाथ पर आके और पास से भी दिखा दियो भाई, उनका और पास से भी दिखा दियो, कब चलवाया वहां पर आओ। ये जिस हिसाब से 2-2 दिन में 5-5 दिन में पंचायतें हो रही है, ये शर्म नहीं लग रही सरकार को कि किसान कितना तंग है। रोटी पे व्यापार दुनिया में करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी आ गई, अनाज को तिजोरी में बंद करना चाहते हैं। जिस तरह से कटिल लेपार और बैरिकेटिंग दिल्ली में लगाई गई है, उसके अंदर अनाज बंद होगा, जो गोदाम बने हैं उसके अंदर यही कटिल लेपार और चिल्ले लगेंगे, बंदर भी वकील जा सकता अंदर से।